हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सिर्फ दो अंडे से 10 लोगों की सब्जी बनाते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका से। दो अंडा लिया है, इसे तोड़ देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं डाले, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है। बारीक कटा हुआ एक हरी मिर्च, आप चाहे तो मिर्च को स्किप कर सकते हो। बारीक चॉप किया हुआ 2 चम्मच जैसा प्याज डाल दें। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। 1/4 धनिया पाउडर, इससे क्या होगा, बहुत फूला फूला बनेगा। 2 अंडा है, इससे लगेगा कि 3-4 अंडा का सब्जी बना है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। धनिया से जो हम बनाएंगे ना सब्ज़ी, इससे बहुत ही फूला फूला बनेगा और खाने में भी बहुत स्वाद लगेगा। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। एक पैन पे मैंने 1 चम्मच जैसा तेल डाला है, इसे सब तरफ फैला दे अच्छे से। तेल जब गर्म हो जाए ना, जो ये ऑमलेट वाला जो घोल बना के रखे थे अंडा का, इसे डाल दे। आप चाहे तो पूरा डाल दे, नहीं तो आधा, मैं आधा डाल रही हूँ। ऐसे सब तरफ इस तरह से फैला दे। ये देखिए कितना अच्छे से फैल रहा है, ये इस तरह से फैलाए। बस हल्का हल्का पैन को पकड़ के हाथ से घुमाना है, ये आराम से फैल गया है। देखिए बहुत अच्छे से फैल गया है। बस इसे गैस का फ्लेम मीडियम रखे, इसे अच्छे से पकने दे। ये देखिए अच्छे से पक गया है, ऊपर से भी ये पक गया। इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, इधर से एक बार घुमाए और एक तरफ इधर से इस तरह से इसे फोल्ड कर दे, इस तरह दबा दे इसे और एक बार इसे पलट के पकने दे। इसे हम फ्राई पैन पे ही पीसेस में कट कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए कट गया है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से छन्नी नहीं है तो आप चाकू से भी इसे प्लेट में रख करके कट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। सेम पैन पे वो जो बचा हुआ अंडा का घोल है ना, उसे भी डाल दे। ये पहले से थोड़ा सा तेल, इसलिए मैं तेल नहीं डाल रही हूँ। ऐसे सेम प्रोसेस से इस तरह से फैला दे। देखिए कितना अच्छा से फैल रहा है। इसे भी उसी तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए इसे इस तरह से फोल्ड कर दे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिर हम इसे एक बार पलट देते हैं, ऐसे पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए ये देखिए कितना सुंदर पीसेस में कट हो गया। चलिए इसका ग्रेवी बनाते हैं। सेम पैन पे 2 बड़े चम्मच तेल डाल दे। तेल गर्म हो जाए तो 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दे, 1/4 गोटा जीरा, 1 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ इसे डाल दे। आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हो, पर कुटा हुआ से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च को काट के लिया है, आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हो। एक बार अदरक लहसुन को चला लेते हैं। 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज का कलर थोड़ा सुनहरा हो गया तो 1 मीडियम साइज का टमाटर डाल दें, स्लाइस में कटा हुआ। ये रेसिपी में 4 टमाटर का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी क्योंकि मसाला जले ना। मसाला को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि मसाला का कलर और तेल और मसाला अलग ना हो जाए। चलिए मसाला को एक बार ढक देते, बीच बीच में ढक्कन हटा के चलाते रहेंगे। एक बार चम्मच इस तरह से मेस कर दे, जो टमाटर नहीं गला है वो भी मेस हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए तेल अलग छोड़ दिया है, मसाला अलग हो गया है, मतलब मसाला अच्छे से भून चुका है। 1/2 कप जैसा पानी डाल दे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो पानी का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दें, 1/2 चम्मच जैसा क्रश किया हुआ कस्तूरी मेथी डालें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। जब ग्रेवी में उबाल आने लगे तो अंडा का पीसेस इस तरह से डाल दें और इसे डालने के बाद 1 मिनट तक ढक के पकने दें अच्छे से, उसके बाद इसे सर्व करें। चलिए इसे ढक देते हैं, इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं अच्छे से।
चलिए इसका लीड हटा करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छे से पक के तैयार हो चुका है, ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। एक रोटी खाने वाले ना 4 से 5 रोटी मांग मांग के खाएंगे अगर इस तरह से अंडा का सब्जी बनाएंगे तो। 2 अंडा से पूरे परिवार के लिए हम सब्जी बना सकते हैं।